साइड सौरव एंड यू आर वॉचिंग टेक सौरव। सो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ बाटी बे की वैकेंसीज के बारे में जो कि निकल गई है। तो उसमें आपको बताऊँगा कि कौन सी बैचलर डिग्री चाहिए होती हैं और अगर आपने मास्टर डिग्री की हुई है तो आपको कौन से सब्जेक्ट्स यहाँ पे चूज़ करने के लिए मिलेंगे। देन आपने कौन सी बैचलर डिग्री की है तो उसके बाद आप कौन से सब्जेक्ट्स यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। चलिए गाइस, सबसे पहले जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं व्हाट्स योर बैचलर डिग्री, ये बाटली बे की ऑफिशियल वेबसाइट है। पहले आप इस पर आगे भी चेक कर सकते हैं, बाकी मैं आपको यहाँ पे सब ओवरव्यू कर देता हूँ। सो गाइस, अगर हम बैचलर डिग्रीज की बात करें तो बी फार्मा, बी ऑनर्स, बी ए ऑनर्स इन मैथमेटिक्स, बी ए इन इकोनॉमिक्स, बी ए इन इंग्लिश, बी ए इन जियोग्राफी एंड देन बी ए इन हिस्ट्री, बी ए इन लैब आर्ट्स, बी ए इन मैथमेटिक्स, बी ए इन साइकोलॉजी, बी ए इन सोशोलॉजी, बी ए इन स्टैटिस्टिक्स, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग, बी आर्क जिसको बोल देते हैं, बैचलर ऑफ डेंटल साइंस, बी डी एस, बैचलर ऑफ फिशरीज साइंस, बी एफ एस सी, बैचलर ऑफ फूड साइंस न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, बैचलर ऑफ सायोथेरेपी, बैचलर ऑफ प्रोडक्ट डिज़ाइन, बैचलर ऑफ टेक्सटाइल डिज़ाइन, बी एम एस, बी बी ए, बी बी ए प्लस सी ए इंटरमीडिएट फाइनल, बी बी ए प्लस सी एस इंटरमीडिएट फाइनल, बी बी एम, बी बी एम प्लस सी ए इंटरमीडिएट फाइनल, बी बी एम प्लस सी ए आई पी सी सी इंटरमीडिएट फाइनल, बी बी एम प्लस सी एफ ए इंटरमीडिएट फाइनल, बी बी एम प्लस सी एम ए इंटरमीडिएट फाइनल, बी बी एम प्लस सी पी ए, बी बी एम प्लस सी एस इंटरमीडिएट फाइनल। तो गाइस, ये सभी बैचलर डिग्रीज के लोग अभी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस, ज़्यादातर लोग जो है बी बी ए करते हैं। सपोज़ अगर आपने बी बी ए यहाँ पर सिलेक्ट करा, अगर आपने अब बी बी ए के अंदर भी कोई मास्टर्स की हुई है जैसे कि एम कॉम, एम फार्मा, एम फाइल, एम इन जियोग्राफी, तो वो गाइस अपने आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने नहीं की हुई तो कोई बात नहीं, ये ऑप्शनल है। देन गाइस, अब सेलेक्ट करते हैं सब्जेक्ट। सो गाइस, अभी बी ए की यहाँ पर जो वैकेंसी है वो अवेलेबल है, जिसके अंदर सब्जेक्ट अवेलेबल है ऑपरेशंस मैनेजमेंट। तो गाइस, बी ए वाले लोग जिन्होंने अभी बी बी ए करी है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए वो सब्जेक्ट अवेलेबल मिल जाएगा ऑपरेशंस मैनेजमेंट। वैसे मैं कुछ और सब्जेक्ट्स के दिखा देता हूँ जो ज़्यादातर लोग नॉर्मली करते हैं। बी फार्मा भी काफ़ी सारे लोग करते हैं, तो गाइस इनके लिए यहाँ पे बी बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट जो है वो अभी अवेलेबल है, तो वो लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं बाटली बे में। देन गाइस, बी ए इन इकोनॉमिक्स में भी काफ़ी ज़्यादा लोग करते हैं। सो गाइस, बी ए इन इकोनॉमिक्स के लिए जो है अभी यहाँ कोई सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है। देन गाइस, बी ए इन इंग्लिश में देख लेते हैं, बी ए इन इंग्लिश वालों के लिए भी यहाँ पे सब्जेक्ट अवेलेबल है हिस्ट्री। सो गाइस, वो हिस्ट्री सब्जेक्ट सेलेक्ट करके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड देन गाइस, बी ए इन ज्योग्राफी की बात करें तो यहाँ पे बी ए इन ज्योग्राफी के लिए अभी वैकेंसी अवेलेबल नहीं है। देन गाइस, बी ए इन हिस्ट्री की बात करें तो बी ए इन हिस्ट्री के लिए यहाँ पे हिस्ट्री अभी अवेलेबल है, तो वो हिस्ट्री के अंदर यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। बी ए इन लाइब्रल आर्ट में अभी यहाँ पे बी ए इन लाइब्रल आर्ट में भी हिस्ट्री सब्जेक्ट अवेलेबल है, तो वो इस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बी ए इन मैथमेटिक्स के अंदर अभी कोई सब्जेक्ट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, बी ए इन मैथमेटिक्स वालों के लिए यहाँ पे भी कोई वैकेंसी अवेलेबल नहीं है। एंड देन गाइस, बी ए इन साइकोलॉजी, सो गाइस बी ए इन साइकोलॉजी वालों के लिए भी वैकेंसी अवेलेबल है साइकोलॉजी के अंदर, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देन गाइस, आगे की वैकेंसी बताने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कोई भी नई वैकेंसी आती है तो मैं उसका अपडेट सबसे पहले इस चैनल पर दे देता हूँ। और चेक की वैकेंसी जो है उसका अपडेट मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, वो आप ऊपर आई बटन में आपको और डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो का लिंक दे दूँगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। देन गाइस, अब आते हैं अपनी वीडियो की तरफ वापस, बी ए इन सोशियोलॉजी में देखते हैं। तो गाइस, बी ए इन सोशियोलॉजी के अंदर दो वैकेंसीज अभी अवेलेबल है, सोशियोलॉजी प्लस हिस्ट्री, तो इनमें आप किसी भी सब्जेक्ट में जिसमें आपकी कमांड अच्छी है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। देन गाइस, अब आ जाते हैं बी ए इन स्टैटिस्टिक्स पे, बी ए इन स्टैटिस्टिक्स में अभी कोई वैकेंसी अवेलेबल नहीं है। बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग, इसमें भी कोई वैकेंसी अभी अवेलेबल नहीं है। बैचलर ऑफ डेंटल साइंस, सो गाइस इसके अंदर जो है वैकेंसी अभी अवेलेबल है एनाटॉमी एंड साइकोलॉजी, तो गाइस इस सब्जेक्ट को सिलेक्ट करके आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। देन गाइस, उसके बाद आते हैं बैचलर्स ऑफ फिशरीज एंड साइंस, इसके लिए गाइस अभी कोई वैकेंसी अवेलेबल नहीं है। देन गाइस, बैचलर ऑफ फूड साइंस न्यूट्रिशन एंड डेंटिस्ट, इसके लिए भी गाइस अभी कोई वैकेंसी यहाँ अवेलेबल नहीं है। बैचलर्स ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन, इसके लिए भी अभी यहाँ पे कोई वैकेंसी अवेलेबल नहीं है। गाइस, बैचलर ऑफ साइकोथेरेपी, इसके लिए भी यहाँ भी कोई वैकेंसी अवेलेबल नहीं है। देन गाइस, बैचलर ऑफ प्रोडक्ट डिज़ाइन की देख लेते हैं, नहीं कोई वैकेंसी भी अवेलेबल नहीं है। बैचलर ऑफ टेक्सटाइल डिज़ाइन, इसके लिए भी नहीं कोई वैकेंसी अवेलेबल अभी। देन गाइस, आ जाते हैं
BMS, इसके लिए भी कोई वैकेंसी अवेलेबल नहीं है। BBA गाइस, BBA के लिए यहाँ पे जो है वैकेंसी अवेलेबल है, जैसे कि मैं आपको पहले ऑलरेडी दिखाया था ऑपरेशनल मैनेजमेंट की, तो BBA वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। BBA प्लस CA इंटरमीडिएट फाइनल वालों के लिए भी कोई वैकेंसी नहीं है। BA CS इंटरमीडिएट फाइनल, इनके लिए भी अभी कोई वैकेंसी नहीं है। BBM वालों के लिए एक बार चेक कर लेते हैं। सो गाइस, BBM वालों के लिए भी अभी कोई यहाँ वैकेंसी नहीं है। BBM प्लस CA इंटरमीडिएट फाइनल वालों के लिए भी कोई वैकेंसी नहीं है। ऑलमोस्ट जो CA IPC इंटरमीडिएट वाले हैं, इनके लिए भी यहाँ कोई वैकेंसी अवेलेबल नहीं है। देन गाइस, BBM प्लस CPA वाले चेक कर लेते हैं, इनके लिए भी गाइस कोई वैकेंसी अभी अवेलेबल नहीं है। सो गाइस, इन अभी लास्ट के जो सब्जेक्ट्स हैं BBA CM इंटरमीडिएट वाले, इनके लिए भी यहाँ फिलहाल कोई वैकेंसीज नहीं है। जो गाइस वैकेंसीज अवेलेबल थी बी फार्मा के लिए थी, और BA इन इंग्लिश, BA इन इकोनॉमिक्स और एंड कुछ सब्जेक्ट्स और थे जिनके लिए थी, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। सो गाइज़ वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। गाइज़, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं फिर ऐसी किसी और वीडियो के साथ।